स्टूडेंट्स, आज हम सूचना तकनीकी जो कि आपका एक पूरा टॉपिक है, जिससे आपके बोलो 10 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन जिससे आएंगे, वो मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। इसमें टोटल 4 टॉपिक है, जिसमें से 2 यूनिट आज मैं तैयार करा दूंगा रैपिड फास्ट तरीके से, ताकि आप उनको शॉर्ट में 15-20 मिनट में रिवाइज करके, और वो टॉपिक कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं सूचना तकनीकी। ओके, यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा, वो जो 8, 9, 10 की क्लास के अंदर जो मैटर दे रखा उसी से आएगा, उसी को पूरा ध्यान में रखते हुए मैं आपको शॉर्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सूचना तकनीकी है, ओके, उसके अंदर सबसे पहला है सूचना तकनीकी के आधार, बेस ऑफ आईटी। तो बेस ऑफ आईटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना का संग्रहण आदि कार्यों का निष्पादन करना आईटी इंफॉर्मेशन तकनीकी कहलाती है। इसका मतलब आईटी के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कंप्यूटर के आविष्कार के कारण हुआ है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बोबेज है, अक्सर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चार्ल्स बोबेज है, वो कंप्यूटर के जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर तकनीकी बोलो ने कार्य करने की गति को और क्षमता को इंक्रीज कर दिया है, क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखें कुछ स्पेशल नोट जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना वे संप्रेषण तकनीकी। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेता है आईसीटी का पूरा नाम क्या है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए 18 अक्टूबर 2000 को सूचना तकनीकी